आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। आस्था के महापर्व सूर्य षष्ठी के अंतिम दिन व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर खत्म किया उपवास। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर संत कबीर नगर से पहुंचे गोरखपुर, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बलिया में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व बीजेपी विधायक का फूंका गया पुतला। बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर 16 नवंबर से आयोजित होगी किसान ट्रैक्टर रैली। और छठ पूजा में दिल्ली से घर लौटे युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, प्रेम प्रसंग का मामला। अब सत्य घटना विस्तार। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने उपवास खत्म किया। व्रती महिलाओं के चेहरे भगवान भास्कर के दर्शन के बाद खिल उठे। इस दौरान घाटों, सरोवरों और तालाबों पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। महिलाओं के साथ घर के सभी सदस्य भी घाट पर मौजूद रहे और बड़ी तल्लीनता से भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते दिखे। इस दौरान पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था भी देखी गई। 3 दिन तक उपवास रखकर अपना व्रत खोलने वाली महिलाओं ने भगवान सूर्य से अपने पुत्रों के लिए लंबी उम्र और स्वास्थ्य का वरदान भी मांगा। घाटों पर इस दौरान मेले सा दृश्य लगा रहा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर गोरखपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चंपा देवी पार्क में लोगों को संबोधित किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय से महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, बीजेपी ने जितने वादे किए सब झूठे साबित हो रहे हैं, इस सरकार में केवल पूंजीपति ही फायदे में है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ अच्छे नारे दे दिए, बहुत अच्छे नारे दे दिए और कसम भी खाई थी, भगवान राम की भी कसम खाई थी और माँ गंगा की भी कसम खाई थी, गंगा को भी साफ करने का भी कसम खाई और 4.5 साल हो गए गंगा वैसी की वैसी है, गंगा का गंगा मैली का कहा था हम गंगा को साफ कर देंगे, कहीं पर भी गंगा साफ नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर संत कबीरनगर जिला में पहुंचे, जहां सरैया बाईपास पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और भाजपाइयों को बेईमान तक बना डाला और महंगाई को लेकर भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली और बेरोजगारों को रोजगार, अगर नहीं रोजगार मिला तो प्रत्येक बेरोजगारों को 5 लाख रुपए नकद देंगे। मुख्यमंत्री बन जाओ, हम साथ हैं, लेकिन जो हमारे साथ है चुनाव जीत सकते हैं उनको टिकट दें, हम लोगों का सम्मान रखें, अगर गठबंधन करना चाहें तो गठबंधन कर लें, अगर गठबंधन में कोई दिक्कत आ रही हो तो हम विलय को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ पीछे जो लोग हैं उनको सम्मान पहले मिलना चाहिए। इन बेईमानों की बात में सरकार पहुंच गई, झूठ बोल कर, झूठ कितना बोले, सबसे पहले नारा क्या दिया था, सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था हम काला धन दिया है, बताओ काला धन कितना आया, और दूसरे दिया था कि हम काला धन ले आएंगे 15-15 लाख रुपया प्रति खाते में भेज देंगे, भ्रष्टाचार हम 100 दिन में खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, फिर इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बेईमानो उतनी बनी रहने देते, उतनी बनी रहने देते, तुमने तो और नीचे कर दी।
दिल्ली से कमाकर छठ पूजा में घर लौटे युवक का शव एक सरकारी स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिलने से पूरे इलाके में खलबली मच गई। मामला बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर गांव का बताया जा रहा है। मृत युवक के परिजनों की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक की गिरफ्तारी भी कर ली है। आज तड़के कोटवा नारायणपुर गांव में दिल्ली से कमाकर आए मंगल यादव का शव बरामद होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। हालांकि रात भर छठ पूजा भी चल रही थी। गांव वालों का कहना है कि मंगल का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के घर वालों ने पहले मंगल यादव को अपने घर बुलाया और फिर उसकी पिटाई के बाद घर के पिछवाड़े से उसके शव को स्कूल की झाड़ियों में फेंक दिया। 25 वर्षीय प्रेमी मंगल छठ पूजा में गांव आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सभी फरार हैं। मृतक के चचेरे भाई अंजुम ने बताया कि कल शाम को मंगल यादव को युवती के घर वालों ने बुलाया था। हमारे पास उसी मोहल्ले से किसी का फोन आया था कि उसके साथ कुछ हुआ है, तो हम गए पता करने के लिए, तो उसने हमें जाने नहीं दिया घर में। रामशीष ने जो आरोपी है, तो इसकी सूचना अपने प्रशासन को दी हमने। इसकी सूचना वहाँ पे गए, दरोगा जी को लेके आए, तो घर खुलवाया, चेक किया, कुछ नहीं मिला। 1.5 घंटे तक ढूंढा हमने, कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर हम स्कूल में कूदे, उसमें चेक किया तो वहाँ लाश पड़ी थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अभी आगामी 16 नवंबर को हम लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं, उसमें कन्या का भी विवाह है। ये कार्यक्रम श्री मदन मोहन जी का मंदिर जो अली नगर में स्थित है, वहाँ से बारात शुरू होकर अली नगर चौराहा, थवई का पुल, दीवान बाजार, चरणलाल चौराहा होते हुए फिर अली नगर चौराहे से होते हुए और ये हजारीपुर में एक शक्ति सीमेंट एजेंसी है उसके पीछे एक आता है, वहाँ तक पे बारात आएगी और वहाँ पे तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जहां बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दे डाला और पूर्व विधायक का बयान अब तूल पकड़ते नजर आ रहा है। पूर्व विधायक के बयान से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी विधायक राम इकबाल सिंह के पुतले को लेकर पूरे चौराहे घसीटते हुए पुतले के मुंह पर जूते रखकर और पुतले को टीडी कॉलेज चौराहे पर फूंक कर विरोध प्रकट किया और पूर्व विधायक की एक नशेड़ी से तुलना की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चाचा राम इकबाल सिंह नशे के शिकार हो गए हैं। शराब के नशे में जो कल बयान दिया है, महाराज जी के प्रति पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रति अपमान की बात है। ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पार्टी में हमेशा इनकी विरोधी गतिविधियां होती हैं। केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर भी हमला करवाने का काम इन लोगों ने किया था। ओम प्रकाश और अखिलेश यादव से कुछ फंडिंग हुई है जिसके माध्यम से ये गलत बयान दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष से बात हुई है, उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जो चाचा है राम इकबाल सिंह, एक सस्ते नशे का शिकार हो गए, दारू के पीने के नशे में इन्होंने कल जो बयान दिया है महाराज जी के प्रति, ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए अपमान की बात है। ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और भारतीय जनता पार्टी से इनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। गोरखपुर के चौरे चौरा इलाके में उस समय उहापोह की स्थिति खड़ी हो गई जब क्षेत्र के मुंडेरा बाजार से एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, जिसमें एक शख्स के छत पर पाकिस्तान का झंडा लगा होने की अफवाह फैल गई। इस बात की जानकारी मिलते कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही एसपी नार्थ स्वयं चौरी चौरा थाने पहुंचे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।
इस बात की जानकारी देते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज करीब 6 बजे शाम को ये जानकारी हुई कि एक तालिब और मुल्ला नाम के मुस्लिम व्यक्ति के आवास पे एक झंडा लगा हुआ है, जिसको पाकिस्तानी झंडा बताया गया। उस आधार पे यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, तहरीर दी गई है, उस पर FIR दर्ज की जा रही है और उस पर प्रॉपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सभी जिला मुख्यालयों पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन 16 नवंबर से करेगी, जिसकी शुरुआत 16 को मऊ से की जाएगी। इस बात की जानकारी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली किसानों के जागरूकता के लिए होगी। उन्होंने कहा कि राकेश सिंह टिकैत को मैं नेता मानता ही नहीं। जो किसान आंदोलन नाम का एक माया जाल का भ्रम उत्तर प्रदेश और देश से फैलाया जा रहा है, इसको हम एक्सपोज करेंगे, इसका हम भंडाफोड़ करेंगे तथा जनता को बताएंगे कि जो मुद्दा विहीन विपक्ष के लोग थे, जो 4 वर्षों तक आइसोलेशन में थे, जो सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, जो मुद्दों के अभाव में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे विरोधी दलों के लोग किसान आंदोलन के नाम पर तथा कथित किसान नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। शहर के बाहरी वार्डों से जुड़े ग्रामीण इलाके व क्षेत्र के छठ घाटों पर पानी में खड़ी हजारों व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर मंगल कामना की। गुरुवार सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए। मुहूर्त के अनुसार सुबह 6:33 पर लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। खूब होता है गाना बजाना छठ के आखिरी दिन। सुबह से ही जंगल धूसर, जंगल तिकोनिया नंबर 1, हनुमंत नगर, व्यास नगर, मानस विहार, आदित्यपुरी, शक्तिनगर, नई धर्मपुरी, जंगल हकीम नंबर 2, मोहनापुर जंगल तिकोनिया नंबर 1 के पार्वतीपुरम के घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए। सूर्य उगते ही अर्घ अर्पित किया गया। इसके बाद व्रतियों ने एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भावी सपा प्रत्याशी 321 पिपराइच विधानसभा दीपक अग्रवाल, पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भैया व उनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती साधना जायसवाल आदि मौजूद रहे। छठ महापर्व पर बृहस्पतिवार गोरखपुर के पिपराइच के मोटेश्वरनाथ मंदिर पोखरे तथा रामलीला मैदान स्थित पोखरे पर रात्रि 2 बजे से श्रद्धालुओं का घाटों पर आना शुरू हो गया था। दोनों पोखरे पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं घाटों पर मौजूद रहीं। पिपराइच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही। छठ व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही अपने छठ पूजा को आज सकुशल सम्पन्न किया। हमारे दादी के जमाने से छठ महापर्व मनाया जाता है। हमारी घर की माताएं बहनें आती हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ का पूजा करती हैं। रामलीला कमेटी अध्यक्ष विशाल कश्यप ने भी रामलीला कमेटी की तरफ से सभी को छठ के इस महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छठ का त्यौहार है, हर साल की भांति इस साल भी लोग बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मना रहे हैं और इसमें लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जनपद गोरखपुर के गघा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोककर फायर कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ग्राम सभा नेवरा के बासीपार निवासी राम आशीष यादव का 18 वर्षीय पुत्र प्रतीक यादव ग्राम मुसाइला में अपने दोस्त के बर्थडे में गया था। वो बुधवार की रात 8 बजे बाइक से घर आ रहा था कि मिश्रोली व नेवरा के बीच दो अज्ञात लोगों ने उसकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। उसके बाद उसकी बाइक रुकते ही उसमें से एक ने प्रतीक के ऊपर फायर कर दिया। गोली उसकी कनपटी को छीलते बाहर निकल गई। सूचना पर पहुंचे उसके पिता और स्थानीय पुलिस ने उसे CHC कौड़ीराम पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। We'll be right back.
आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।